पता ही नहीं क्या ही सरप्राइज है, मुझसे तो मार्केट की बोल के गए थे कि अभी आ रहा हूं मैं। ओ वाह, Check the mic and make sure it sound right, boys. So hi guys, a very good morning and welcome back to the new vlog. और अभी मैं आया था Royal Enfield के शोरूम पे और यहाँ हमें मिल गया एक और सरप्राइज और आपके लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज है। तो चलो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया था, हम उत्तराखंड की राइड करने वाले हैं अपनी नई हिमालयन से एंड इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तमिलनाडु का है एंड अभी तक इसकी NOC क्लियर नहीं हुई। मैंने जो बताया था कि हमारी राइड अभी ऐसे ही डिले हो रही है बिकॉज जब तक NOC नहीं आएगी, जब तक RC नहीं आएगी, तब तक हम राइड नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज शोरूम आया था बात करने के लिए क्या मतलब सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरीके से हम राइड कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ के हमें मिल गया एक सरप्राइज एंड वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। सो गाइज, हाँ हुआ ये है कि जो हमारी हिमालयन है उसकी NOC में कुछ तो इशू आ रहा है एंड वो डिले हो रहा है। अब वो क्या रीज़न है पता नहीं चल पा रहा है। सो राइड तो करनी है। सो यहाँ पे हुआ ये है कि जो ओनर है एक्चुअली उनसे भी जान पहचान हो गई है, थोड़ी फ्रेंडशिप टाइप है एंड सो अब हम ये कर रहे हैं कि उस बाइक को एक्सचेंज कर रहे हैं एक और न्यू हिमालयन के साथ जो DL नंबर रजिस्टर्ड है एंड उससे और नई है, उससे और अच्छी कंडीशन में है। सो वो बाइक मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब वो फाइनली जो अपनी ब्लैक वाली हिमालयन है वो वापस जा रही है एंड ये जो नई हिमालयन है ये हम आज यहाँ से लेके जा रहे हैं। सो वो सारा प्रोसेस अभी चल रहा है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब दे दिए हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो ये सही है, सॉर्टेड हो जाएगा हमारा, इसकी RC भी है, इसका इंश्योरेंस भी है, सब कुछ अभी फाइनली सब हो जाएगा तो कोई दिक्कत कहीं आने नहीं वाली। तो ये अच्छा सॉल्यूशन मिल गया एंड बाइक भी उससे बहुत अच्छी मिल गई, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सो ये रखी अपनी हिमालयन की फाइल एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो पुराना वाला नंबर है वो काट के जो DL नंबर है नई वाली बाइक उसका नंबर यहाँ पे डाल दिया है एंड उसका जो इनवॉइस वगैरह वो सब हमें मिल गया है एंड फाइनली चलते हैं बाइक की डिलीवरी लेते हैं एंड आपको भी अपनी नई हिमालयन दिखाते हैं। सो ये खड़ी अपनी पुरानी वाली हिमालयन एंड भैया इसमें से अभी पेट्रोल निकलवा रहे हैं क्योंकि मैंने कल ही इसमें पेट्रोल भरवाया था तो मैंने कहा यार ये तो निकाल दो भैया एंड ये फिर से फॉर्मेलिटीज़ होंगी अभी, चॉकलेट वॉकलेट लेने तो कुछ और आए थे लेकिन लेके कुछ और जा रहे हैं। सो फाइनली ये अपनी हिमालयन वाइट 411 2018 मॉडल एंड आप देख सकते हो ये उस वाली ब्लैक वाली हिमालयन से काफ़ी नई कंडीशन में है एंड इसको आज एक्सचेंज कर रहे हैं अपन। सो सही है, बाकी ये सही है कि इसके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कंप्लीट हैं। सो अपनी राइड बढ़िया से हो जाएगी। सो ये फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, रोज़ रोज़ फ़ोटो खिंचा के आ जाते हैं यहाँ पे हम ये सो आज चलो देख लो यार, है ना, लगाओ भैया। एंड इसके आप देखो टायर वगैरह भी बिल्कुल नए हैं एंड ये सिर्फ 6000 चलिए ना भैया, 6000 किलोमीटर चली है ना, तो बस 6000 किलोमीटर चली हुई है। टेस्ट राइड व्हीकल है ये भी, दिल्ली रजिस्टर्ड है। सो सही है, बढ़िया डील मिल गई आज फिर एंड ले जा रहे हैं आज इसको भी। सो इसमें लेग गार्ड और लगवा रहे हैं, लेग गार्ड आते नहीं एक्चुअली कंपनी की तरफ से और इस वाली में भी नहीं थे जो मेरी वाली थी, इसमें भी लेग गार्ड थे नहीं, मतलब मैंने नोटिस ही नहीं किया इतने दिन से। सो भैया ने कहा लेग गार्ड तो लगवा ही लो, पहाड़ों में जा रहे हो, तो मैंने कहा चलो लगा दो, सेफ्टी के हिसाब से सही लगेंगे एंड थोड़ा लुक भी और हैवी हो जाएगा इससे। भैया भी कह रहे हैं आज ये वाली है, रोज़ नहीं ले जाते हो। नहीं भैया थैंक यू। सो चलो अभी इसको लेके चलते हैं एंड अभी मोटो ब्लॉग तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज मैं GoPro वोप्रो कुछ लेके नहीं आया था, चप्पल पहन के ही आया था एंड लेके नई बाइक जा रहे हैं। सो अभी राइड करते हैं एंड जहाँ भी रुकता हूँ या फिर घर पहुँच के फिर आपको दिखाता हूँ एंड अभी घर पे भी किसी को नहीं बताया, मोना को, घर वालों को, किसी को नहीं बताया कि बाइक एक्सचेंज हो गई है, वो चली गई है, ये नई आ गई है। सो अब घर पर चल के ही सरप्राइज़ देते हैं एंड देखते हैं। सो अभी मैं अपनी हिमालयन लेके यहाँ सोसाइटी पहुँच गया हूँ एंड मोना को मैंने कॉल कर दिया, मैं नीचे आ जाओ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो भी मोना नीचे आती है देन उसका रिएक्शन देखते हैं। मोना कहेगी मेरा आदमी पता ही नहीं क्या करता रहता है, कहाँ भेजा था, क्या करके आया है। सो चलो अभी नीचे आ जाती है देन उसको सरप्राइज़ देते हैं। हाई फाई का अभी फ़ोन आया है कि मतलब नीचे आओ तुम, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। पता ही नहीं क्या ही सरप्राइज़ है, मुझसे तो मार्केट की बोल के गए थे कि अभी आ रहा हूँ मैं थोड़ी बहुत देर में, मुझे कुछ काम है, मार्केट जा रहा हूँ,
तो पता नहीं क्या ही सरप्राइज है मेरे लिए। तो चलो रे, सरप्राइज देखने चल रहे हैं। क्या है, चले नन्हे नन्हे अप्पा। चले 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 चले। तो अभी जा रही हूँ मैं नीचे, देख के आती हूँ क्या ही सरप्राइज है। देखो क्या सरप्राइज है, देख के आओ। हाय पापा। ओ वाओ, ओह, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, ये एकदम नई लग रही है, सुंदर लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है। मतलब ये बाइक दूसरी है तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है। नहीं, बाइक तो वही है, बट इस नंबर नहीं दिख रहा था वो ना। है दूसरी बाइक है, ये दिल्ली नंबर नहीं है, ये वो था TN नंबर नहीं था, ये बाइक दूसरी है तो मैं देख नहीं रही है। दूसरी बाइक लाए हो तुम? है, यही तो सरप्राइज है। है सच में नई लेके आए कैसे? ये तुम्हें ये सेलिब्रेशन का डिब्बा भी तभी मिलता है, तभी तो मिलता है जब नई बाइक लेते हैं। हाँ, दिक्कत क्या? दिखा दूंगा अभी जो खिंचवा क्या। यार तुम मतलब सही बताओ, चप्पल पहन के गया था क्या कराने, काम करने? मैंने वही तो बोला, मैंने कहा तुम मुझसे बोल रहे सरप्राइज। यार तुम सही बताओ, तुम्हारी कसम यार, तुम्हारी कसम, कैसी लग रही है ये बताओ तो। बाइक बहुत शानदार लग रही है ना। सो मोना ये सोच रही है कि मैं उसी बाइक पे रैप वैप करा के ले आया हूँ, तो मोना कह रही है अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है पहले से। मोना जी ये नई बाइक है। नई बाइक है? हाँ जी। मैं कंफ्यूज हूँ, ये हुआ क्या? नहीं बस अब ये हुआ, वो ब्लॉग में देख लेना क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन ये है कि ये दूसरी बाइक आ गई है, वो चली गई अपनी। देखो ना, पूजा वूजा करी थी, कलावा वलावा सब चेंज नहीं है यार, तुम मतलब ऐसे शौक दो। लेकिन नहीं, मतलब तुम मार्केट गई हो यार, ये ऐसे ही बताता है बस। मेरे साथ जिंदगी में पता ही नहीं क्या चल रहा है, हंटर आई फिर दूसरी हिमालयन आई, अब ये फिर हिमालयन आ गई। सही है ना? ओह माय गॉड, चले अब पूजा पूजा भी करनी है इसकी आज। यार मेरी तो चलो कोई नहीं, ऊपर चलते हैं अभी। सो अभी मैंने मोना को पूरी स्टोरी बता दिया कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। और मोना क्या समझ रही थी तुम? मतलब मैं सच में ना कसम से मुझे लगा वो ही बाइक है, और इस पे ना आप स्टिकर वगैरह मतलब लगवा के लेके आयो। बिकॉज़ मोना से मैं कह रहा था बिकॉज़ राइड पे जाना है तो मैं ना इस पे स्टिकरिंग वगैरह करवा लेता हूँ, चैनल का नाम वगैरह। वैसे तो आप मुझसे ये बोल के गए थे, सुनो नहीं बोल के ये थे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। हाँ। मुझे इतना कुछ डिटेल में शायद पता भी नहीं था। लेकिन मेरा ये था कि इस पे यूट्यूब के कुछ, बट आपने जब वो बाइक एकदम से आई तो मुझे लगा अरे, मैंने कहा ये मुझे लग रहा है क्योंकि मैं कई दिन से बात कर रहा था ना कि अपनी बाइक को रैप कराएंगे, कुछ कलर चेंज कराएंगे। हाँ। मोना को तो यही लग रहा था, मुझे यही लग रहा था। लेकिन जब मैंने सेलिब्रेशन का डिब्बा देखा मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई, चल क्या रहा है लाइफ में, मतलब हो क्या रहा है, 4 महीने आए हुए, 3 बाइक चेंज हो गई, हमारी तीसरी बाइक आ गई 4 महीने में, यहाँ 4 महीने में मतलब तीसरी बाइक है। लेकिन बाइक ये मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत सच में बेटर कंडीशन में है, एंड वाइट कलर बहुत प्यारा लग रहा है। यार ऐसी लग रही है कुछ है, मतलब सच में कुछ है। रोड पे एक होता है ना कि जब कोई बाइक चाहती है तो हम भी एक नजर मारते हैं, कोई अच्छी होती है, कुछ यूनिक होती है, तो वो चीज लग रही है, वो सच में उससे बहुत बेटर लग रही है मुझे। मतलब वो थोड़ी सी हल्की सी मुझे लगी थी कि हाँ, मतलब उस पे थोड़ी जरूरत थी। हाँ, मतलब वो थोड़ी मतलब लग रही थी सेकंड हैंड है, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। सबसे अच्छा है कि इसके डॉक्यूमेंट सब हमें मिल गए हैं, तो अपनी राइड कंफर्म हो गई है आज के, हम राइड पे जा रहे हैं फाइनली। मैं भी जा रही हूं, अगर मोना को तो बाइक पसंद आई है, अब रिएक्शन देखेंगे बाकी सब लोगों के, क्या रिएक्शन आते हैं, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहेगा, बिकॉज यही कहेंगे पता ही नहीं क्या करता रहता हूँ मैं, कितनी बार पूजन करूँ, हर बार उठाया। सो अभी इस बाइक का भी पूजन करेंगे अपन, सो बिकॉज नहीं तो है यार, तो इसका पूजन वूजन करेंगे एंड वो सब अब नए ब्लॉग में देखेंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग का कोई प्लान नहीं था लेकिन व्लॉग बन गया आज। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा, एंड बहुत जल्दी एक सरप्राइज आपको और भी मिल सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो। सो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन दी चैनल। बाकी यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे कल सुबह नए ब्लॉग में 11 बजे। बाय बाय, टेक केयर। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe.